पता है अभी अभी इंटरव्यू देकर आए हैं। यस, अभी अभी हॉल से निकले हैं और अभी से ही शोर मचना शुरू हो गया। शोर कैसा, दिमाग में भी और पेट में भी। डर लग रहा है अब कि भैया हमारा इंटरव्यू क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ और अब क्या करें, क्या करना चाहिए हमें ऐसे में। मन तो कर रहा है कि इस इंटरव्यूअर को मैं बाहर ले जाऊं साइड में और पूछूं, भैया क्लियर करने वाला है नहीं करने वाला है, ये जॉब मुझे दे रहा है नहीं दे रहा है, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। अगर इंटरव्यू देकर आए हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर ये डिस्कस कर लेंगे कि इंटरव्यू देने के बाद हमें ऐसी क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वॉचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर इंटरव्यू, व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक और व्हाट ऑल यू शुड डू आफ्टर गिविंग एन इंटरव्यू, आफ्टर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू दे दिया और अब हमें क्या करना है, राइट? तो मैं बताने वाली हूँ आपको ऐसी कुछ 7 चीजें, यस, कुछ 7 चीजें जो कि बहुत जरूरी है कर लेनी, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, दोनों ही चीजें वरिड हो जाते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता, लगता है बस हम कंपनी के लिए बने और कंपनी हमारे लिए बनी है, वो हमारे लिए ही बैठी है, क्योंकि हम भी तो इंटरव्यू की इतनी प्रिपेरेशन करके दे के आए हैं, तो उसका ये तो बनता ही है कि वो हमें सब कॉल कर करके बताए। 500,000 कितने भी कैंडिडेट हो, हमें मन यही करता है कि हमें पता चले कि क्या हुआ है, राइट? ऐसा ही सोच रहे हैं तो एक काम कर देते हैं, अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे या फिर यूट्यूब चैनल पे, कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे, कहीं पर भी वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल आ गया मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए उसको भी सब्सक्राइब करिए, वहां भी अपनी अटेंडेंस दीजिए, जिससे मुझे पता चले वहां के सेशंस आप देख रहे हैं और जो जो सेशंस आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं इसमें से, वो भी मुझे जरूर बताएं, बिकॉज अब क्या है यहाँ पे मेरे पास 700-800 सेशन है और जिसमें से 200 सेशन तो कम से कम HR जॉब इंटरव्यूज पर ही है, तो अब मुझे लगता है कि वहां पे मैं कौन सा सेशन पहले पिक करूँ इंग्लिश में बनाने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट करिए, राइट? सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये सेशन मुझसे रिक्वेस्ट किया गया है बहुत बार कमेंट सेक्शन में, बहुत बार आप लोग मुझसे पूछते हैं मैम इंटरव्यू दे दिया अब क्या करें, कोई जवाब नहीं आ रहा एंड नर्वस फील कर रहे हैं, वॉरिड फील कर रहे हैं, अब लग रहा है यार क्या करें, बहुत दिन हो गए हम उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहला पॉइंट आएगा आस्क फॉर, यस, क्या आस्क करना है हमें इंटरव्यू से निकलने से पहले ये चीजें ध्यान रखनी है कि पूछनी है, नर्वस नहीं होना है, पहले से प्रिपेयर होकर जाएं कि आपको ये चीज पूछनी है, बिकॉज क्या होता है हम मूव आउट कर जाते हैं इंटरव्यू हॉल से और उसके बाद हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं और वो सॉल्व करने के लिए कोई होता नहीं, हम कॉल्स करते हैं तो कॉल पे बात नहीं हो पाती है उस तरह से, राइट? तो क्या पूछना है हमें, यस, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछना है। तो सबसे पहले हमें पूछना है फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस, यस, ये हमें हमेशा माइंड में प्रॉब्लम करता रहता है कि कहीं कोई और इंटरव्यू प्रोसेस तो नहीं है, तो ये पूछना जरूरी है कि कोई और इंटरव्यू प्रोसेस तो नहीं है। उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग कितने समय में हो जाएगी, बिकॉज घर आके हमें ये लगता ही है कि यार पता नहीं कितने दिन में आंसर आएगा क्या होगा, तो हमें ये पूछ लेना चाहिए वहीं पर ही कि शॉर्टलिस्टिंग कब आएगी, हमें जो रिस्पॉन्ड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ईमेल से मिलेगा, कॉल से मिलेगा, या हम आपको कॉल कर सकते हैं 2 या 3 दिन बाद या नहीं। नाउ ये जो क्वेश्चंस मैं आपसे कह रही हूँ ये क्वेश्चंस आपका एक इंटरेस्ट भी शो करते हैं। आपने इससे पहले एक सेशन देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड है नहीं है, उसे कैसे ट्रेस आउट करें इंटरव्यू प्रोसेस में, तो ये सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट पूछेगा तो हमें जो इंटरव्यूअर है उसको फील होगा कि ये इंटरेस्टेड है अभी भी, खाली ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इंटरव्यू दे दिया और देखेंगे होता है नहीं होता है, ओके? सो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं उनसे, जैसे कि पता चले कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं और आपको आंसर चाहिए, राइट? सो उनके भी माइंड में ये चीज रहेगी शॉर्टलिस्टिंग करते समय, सिलेक्शन करते समय, कि यार ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड था, इसने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, और आपका भी ये डाउट क्लियर होगा कि कोई और इंटरव्यू प्रोसेस है या नहीं है, या फिर वो आपको कब शॉर्टलिस्ट करके रिप्लाई करेंगे, ईमेल पर रिप्लाई आएगा, कॉल पर आएगा, या फिर हम पूछ सकते हैं नहीं, और कितने टाइम में हम कॉल कर सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं। इससे आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं इंटरव्यू को कि आप ये कह रहे हैं कि अगर 5 दिन में कॉल करनी है या 4 दिन में कॉल करनी है तो वो आपको कॉल करेगा, राइट? तो हमारे माइंड में ये इंटरव्यूअर के माइंड में रहेगा यार इसकी कॉल आएगी, तो जवाब हमें ध्यान रखना है, तैयार रखना है कि क्या होगा और हमें प्रोसेस में लगे रहना है, राइट? सो जरूर पूछिए ये क्वेश्चन। सेकेंड, उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकलते ही हमें करनी है, हम हॉल से बाहर आ गए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ना अपने फ्रेंड्स को कॉल लगा देनी है, घर पे कॉल लगा देनी है, या किसी और स्पेशल को कॉल लगा देनी है और उसे पूरा हाल बता देना है। नहीं, ये नहीं करना है, किसी को कॉल नहीं करनी है, जो चीजें इंटरव्यू से लेके आए हैं उसको नोट डाउन करना है, प्लीज 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 इस चीज का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इंटरव्यू हॉल से निकलते ही वहीं से शुरू हो जाते हैं, इनफैक्ट वो कंपनी से भी बाहर नहीं हुए होते हैं। आई हैव सीन सो मेनी पीपल हॉल के बाहर से स्टार्ट हो जाते हैं कॉल लगाना, हाँ हो गया मेरा इंटरव्यू, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ऐसा हो गया, आप आधी चीजें लॉस्ट हो जाती हैं आपकी।
What you have to do is you have to note important things, important questions, important जो चीजें आपसे ऐसी पूछी गई जो आपको नहीं पता थी, आपको उस वक्त ध्यान थी, बाद में आपको ध्यान ही नहीं रहेंगी. आपने कोई क्वेश्चन मिस आउट किया अंदर, राइट, और आपको ध्यान आया कि यार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, स्किल बेस्ड था कोई चीज, ये मुझसे चाह रहे थे सर्टिफिकेशन कोर्स या फिर कोई स्किल चाह रहे थे स्पेशली और वो मुझे नहीं आती थी. प्लीज नोट इट डाउन, बिकॉज जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसके टाइम होने में आप उसे सीख सकते हैं, नेक्स्ट कंपनी में जाने से पहले सीख सकते हैं कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए ये चीज पूछी जा रही है, अदरवाइज आपको फिर ध्यान नहीं रहेगा. मुझे बहुत सारे लोग मैसेज ये कर रहे हैं कि मैम मैंने इंटरव्यूज बहुत सारे दे दिए और मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. तो प्रॉब्लम वही एनालिसिस की आ रही है कि आप उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पा रहे कि जब आप वहाँ इंटरव्यू में गए तो आपसे जो चीज़ें पूछी गई उनका आप प्रॉपर आंसर नहीं कर पाए, तो अब उन्हें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. लोग कहते हैं पास्ट में मत झाको, रिग्रेट मत करो. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रिग्रेट करना है और ऐसे करके माथा पकड़ के बैठ जाने कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में. नहीं, अपना एनालिसिस बहुत जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस हम पीछे क्या करके आए हैं वो जरूरी है देखना. तो जरूर देखिए कि पीछे आपने जो अटेम्प्ट करे हैं सारे क्वेश्चन एक बार मेमोराइज करिए अपने आपको एंड नोट इट डाउन. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसमें कोई कंजूसी नहीं. नोट इट डाउन का मीनिंग अब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा रजिस्टर कैरी कर रहे हैं और या उस तरीके से नोट करना शुरू कर दिया. बहुत सारे तरीके हैं, यू हैव व्हाट्सएप, यू हैव नोट्स, यू हैव एंड्रॉयड फोन जिसमें हम बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं. टाइप आजकल सब चैटिंग से बहुत ज्यादा अच्छा करना जानते हैं तो वो आप कर ही सकते हैं. तो यू कैन राइट बिट बिट पॉइंट्स, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स. ऐसा नहीं है कि आपको पूरी कहानियां लिखनी है, वॉट डू यू मीन बाय, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं लिखने आपको. जो जो चीज़ें आपको लगी इंपॉर्टेंट थी, कुछ क्वेश्चंस थे, आपने उनके पॉइंट 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 डाली, आपको फिर समझ आ जाएंगे. घर जाके उसको हाँ एक जगह प्रॉपर नोट कर लीजिए. इतना काम कीजिए अपने ऊपर, प्लीज कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए. खाली जॉब्स देख लेना कि यहाँ अप्लाई कर दो वहाँ अप्लाई कर दो फिर वो टेस्ट वेस्ट पास करके बस जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो रही है क्योंकि आपने स्किल टेस्ट पास कर लिया लेकिन इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहे तो कैसे चलेगा. ओके, सो वहां से जितनी भी चीजें पूछी गई हैं उनको ट्राई आउट करिए नोट करने की. और मैं तो एनालिसिस ऐसे ही करती थी, नोट भी नहीं करती थी, मैंने सेल्फ एनालिसिस जरूर करा हमेशा, दोनों ही वे से करती थी. मैं जब कैंडिडेट का इंटरव्यू लेती तो उसके बाद तुरंत ही नोट करती थी, मैं इसमें बिल्कुल आलस नहीं करती थी कि हाँ मेरे माइंड में, मेरे माइंड में. मैं तो साथ साथ जब कोल्ड कॉलिंग करती हूँ तो भी लिखती रहती हूँ, पॉइंट्स नोट करती रहती हूँ. और जब मैं सामने इंटरव्यू लेती हूँ, कैंडिडेट चला जाता है, तो आई ऑलवेज टेक अ पॉज फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स सो दैट आई कुड राइट प्रॉपरली. लोग ना हवा में रहते हैं और फिर उसके बाद जब उनसे मैं फीडबैक पूछती हूँ, इट हैपन्स मेनी टाइम कि जब मैं इंटरव्यू पैनल में होती थी और मैं जब 3-4 लोगों से पूछती थी, मेरे जो एनालिसिस होते थे वो बहुत ज़्यादा डीप इंसाइट होते थे क्योंकि मैंने उसी वक्त बहुत सारी चीज़ें नोट कर ली होती थी. और जो लोग होते थे, कहना नहीं चाहिए, सीनियर पीपल थे, लेकिन वो ऐसे कहते थे यार मुझे प्रोफाइल दिखाओ, मुझे थोड़ा सा बताओ, तब मुझे ध्यान आएगा इसमें क्या था, विच इज़ वेरी रॉन्ग. आप चाहे किसी भी प्रोफाइल पर यू मस्ट नोट, क्योंकि नहीं याद रहेंगे बाद में. 50-80 इंटरव्यूज आप लोगे एक दिन में, नहीं ध्यान रहते कि किसने क्या करा. तो इट्स बेटर कि आप नोट कर लो. जब आप नोट करोगे और फिर उसको दोबारा देखोगे तो जरूर आपको मेमोराइज हो जाएगा कि कैंडिडेट में क्या बात थी और क्या नहीं थी. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन. मैं इसलिए डीपली बता रही हूँ, अब आप देख सकते हैं मैं एज एन एचआर पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रही हूँ, एज अ जॉब सीकर पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रही हूँ, दोनों ही चीज़ें, बिकॉज मेरे यहाँ दोनों ही क्राउड हैं, दोनों ही तरीके के लोग यहाँ पर हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें. अरे हाँ हाँ, इसके साथ ना कुछ और भी चीज़ें रह गई जो आपको ध्यान रखनी है. अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली चीज़ मांगी गई है कि मेल के थ्रू आईडी प्रूफ दे दीजिएगा कुछ, तो वो भी नोट कर लें. अगर उन्होंने नेक्स्ट इंटरव्यू डेट बताई है तो भी नोट कर लें, ऐसा ना हो कि आपके माइंड से उतर जाए कि यार इंटरव्यू डेट कुछ बताई तो थी लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं है. फाइन, सो ये सारी चीज़ें नोट कर लें. कोई आईडी प्रूफ मांगे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो आपसे कहे गए हैं कि आप आज इवनिंग तक दे दीजिएगा या कल तक दे दीजिएगा, राइट, कोई सपोर्टिंग चीज़ें हैं तो उसका भी ध्यान रखें, वो भी जरूर नोट कर लें और इस पर एक स्टार बना दें अगर वो बहुत अर्जेंट है. जैसा कि घर पे जाके आप उसको देख लें, कोई भी मतलब ऐसी चीज जैसे आपको एकदम देख के पता चल जाए कि यार ये अर्जेंट है और मुझे इसको आज ही फुलफिल करना है. ओके, उसके बाद थर्ड चीज जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आती है, वो है सेंड थैंक यू नोट. डोंट फॉरगेट टू सेंड थैंक यू नोट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट जॉब. यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस जॉब में तो मत भूलिए. वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि इंटरेस्टेड हैं या नहीं है दोनों ही केस में दीजिए, बट आई नो कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप नहीं देंगे, और ठीक भी है. अगर आप थैंक यू नोट देंगे तो फिर इंटरव्यू को ये स्ट्राइक होगा कि ये कैंडिडेट बहुत इंटरेस्टेड है. यस, थैंक यू नोट से हमें लगता है कि यार ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई ये इतने एफर्ट्स लगा रहा है. फाइन, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं किसी कंपनी में, तो प्लीज थैंक यू नोट जरूर दें. 24 आवर्स के विद इन दें, प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखें और थैंक यू करें फॉर एवरीथिंग, की जो अपॉर्चुनिटी मिली और जिस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ एंड वॉट यू हैव लर्न एंड यू हैव लर्न समथिंग and you are happy and you wanted to continue ये जो discussion हुआ interview में, आप इसे continue करना चाहते हैं और आगे you are looking forward कि हाँ उनका response आएगा. Fine, ये भी ध्यान रखिए. Next आ जाता है fourth. Fourth is check references, जो हम कभी भी नहीं करते. Yes, हम बहुत poor हैं. हम क्या होता है जब हमसे references मांगे जाते हैं ना वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, references तो हम दे देते हैं किसी के भी, फ़ोन में से ढूंढ डांट के नंबर वंबर दे दिए और लोगों के दे दिए, पर हम ना उन्हें चेक नहीं करते.
चेक का मीनिंग यहाँ पे क्या है? अरे आपने अगर रेफरेंस चेक के लिए किसी का नेम दिया है अपने पुराने किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या आपके कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, कोई नोन पर्सन है बहुत ही एजुकेटेड, कोई वेल रिप्यूटेड पर्सन है, तो हम क्या करते हैं उनका नाम तो दे दिया लेकिन हमने ना एक बार उनसे चेकआउट नहीं करा कि हाँ आप कहाँ पे अवेलेबल हैं, नहीं हैं, और मैं ऐसे ऐसे आपका नाम दे रहा हूँ, राइट? तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे केबीसी था, तो केबीसी में एक कॉल होती थी ना, जो लाइफ लाइन्स मिलती थी उसमें कॉल होती थी फोनो फ्रेंड या फिर वीडियो कॉल। आप इमेजिन कीजिए अगर वो फोनो फ्रेंड बता के ना आए घर पे कि हमने आपका नाम दिया हुआ है वहाँ पे फोनो फ्रेंड में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ऑल ऑफ अ सडन होगा वो कॉल, कैसा होगा, मतलब उधर से सुनने वाला जो कॉल उठाएगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसको तो दिमाग में होगा ही नहीं ना कि अरे मेरा कोई जानने वाला वहाँ केबीसी में है और उसने मेरा नाम दिया है, तो कितना अजीब होगा, कितना ऑकवर्ड हो जाएगा, और वो जो 60 सेकंड्स की कॉल है वो तो इसी में वेस्ट हो रही है, तूने मुझे बताया नहीं और मुझे पता नहीं, और इसी इमेजिन करके देखिए। तो ऑब्वियसली वो लोग बता के ही आते होंगे घर पे कि मैं आपका नाम उसमें दे रहा हूँ और लाइफ लाइन में आपके पास कॉल आएगी, फाइन। मतलब मैंने इसको इसलिए बताया कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ऑकवर्ड होगा। तो ऐसे ही जब आपका रेफरेंस चेक होगा और अगर आपने किसी को रिमाइंड नहीं कराया होगा, कोई जैसे 5-6 साल पुराना आपका बहुत अच्छे टर्म्स है किसी से, रोज बात नहीं होती या फिर बात कम होती है या इस बारे में नहीं होती, तो एकदम से कॉल आएगी तो हो सकता है वो उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाए, वो उतने अच्छे से बात नहीं कर पाए ना। मैं यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई फेक स्टोरीज उन्हें कह दें कि भाई मैंने ना भर भर के झूठ बोले हैं इंटरव्यू में, यही झूठ आपको बोलने हैं, ये नहीं, जो आप सच है सच्चाई है वही सारी चीज़ें आप इंटरव्यू में भी बोलें और वही सारी चीज़ें उन्हें भी बताएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दे आर इन्फॉर्म्ड, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड कि आप यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और आप ऐसे ऐसे जॉब में रहे हैं। आपका रेफरेंस चेक जब हो तो जिसके पास हम रेफरेंस के लिए कॉल लगा रहे हैं कम से कम उसको ध्यान हो आज के टाइम में कि आप एक पर्सन हैं, आपकी ऐसे ऐसे जॉब है, आपका ये प्रोफाइल है, ओके? बिकॉज आई हैव सीन, मतलब जब हम वो लोग रेफरेंस चेक के लिए कॉल करते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो पर्सन को हमने कॉल करी वो ना थोड़ी देर में आइडेंटिफाई कर पाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मेरे दूर के रिलेटिव हैं, अच्छा मुझे अभी याद आया, अच्छा कौन वो, मतलब उसका घर का नाम फिर उन्होंने प्रोनाउंस किया, राइट? तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, अपना नेम वेम ठीक से बता दें। यहाँ मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको कोई भी गलत चीज़ें, गलत स्टेटमेंट्स उन्हें नहीं देने हैं कि मैंने ये वहाँ बताया तो आपको ये बोलना है, जो जेन्युइन बात है वही, बस ये है कि एक हम रिमाइंडर दे रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे कॉल आ सकती है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, तो ये है सोशल मीडिया नेटवर्किंग, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, हम लोग कंपनी वेबसाइट्स पहले नहीं विजिट करके जाते हैं, और कंपनी जिस कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं उनके पेजेस को फॉलो नहीं करते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो नहीं करते हैं, इंटरव्यूअर हमें मिल गया उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम पहले नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्ट्स भी पता नहीं होते हैं और हम उतना इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन बहुत बार होता है कि जब हम इंटरव्यू देख कर आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के कनेक्शंस पता चल जाते हैं, वहाँ से जो बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, जो इंटरव्यू पैनल था वहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, वेबसाइट है वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पे नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए, यस, हमें कंपनी को फॉलो करना चाहिए, उनके पेजेस को लाइक करना चाहिए, पेजेस को फॉलो करना चाहिए, लिंक्डइन पे अगर आपको वो लोग मिल जाते हैं तो वहाँ पे आपको फॉलो करना चाहिए। नाउ यहाँ पे ना एक और भी कल्चर है फॉलो कर करके, ये नहीं है कि आप उस पर्सन को बॉदर करना स्टार्ट कर दें बहुत बुरी तरह से, यस, ये बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब अगर हमने किसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो उसको मैसेजेस भर भर के मैसेजेस करे जा रहे हैं, हाई मैम मैंने ऐसे दिया था इंटरव्यू, दो दो तीन तीन बार दिन में, क्योंकि इनबॉक्स की फैसिलिटी आजकल हर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि मैम आपने मेरा मैसेज नहीं देखा और आपने देख लिया तो रिप्लाई नहीं करा, ये नहीं करा। नाउ थिंक ऑफ कि ऐसे इंटरव्यू हुआ किसी दिन, 100 लोग इंटरव्यू में आए, उसमें से 200, 300, 400, 500 और भी आगे पीछे होते ही हैं, अगर ऐसे हम वही रिप्लाई करते रहेंगे, लिंक्डइन पे अगर मुझे कोई फॉलो कर रहा है और वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर करके हमेशा यही पूछता रहेगा कि मैम हाय हाउ आर यू, और आपने मेरा मैसेज नहीं देखा और आपने मुझे रिप्लाई नहीं करा और मेरा इंटरव्यू कैसा था ये था, तो क्या इज इट पॉसिबल? आप कुछ सोच के देखिए, आप एक पर्सन है, नॉर्मल पर्सन सोच के देखिए अपने आप को, आपके पास रोज ऐसे 50-100 लोग अगर हर समय मैसेज करते रहे, आज आपने मॉर्निंग रिप्लाई कर दिया कि हाँ वी विल गेट बैक टू यू, अगर मैंने आज रिप्लाई कर दिया, आपने रिप्लाई कर दिया आज वी विल गेट बैक टू यू किसी को, वो फिर इवनिंग पूछ रहा है आपसे, फिर दोबारा नेक्स्ट डे पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, उसका एक वे है, कनेक्ट हुई है और जब आपको फॉलोअप लेना हो उनके पोस्ट को फॉलो करिए, उन्हें देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, तो ना नेटवर्किंग ऐसे बढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि हम एकदम से किसी के पीछे पड़ जाएं कि हाँ भाई तो मुझे इनका अकाउंट मिल गया, अब तो मैंने धड़ाधड़ बार लगा दिया वहाँ पे मैसेजेस के और इसके, अब फिर सब जगह कर रहे हैं, आपने को मिल गई वो इंस्टा पे मिल गया तो इंस्टा पे करना शुरू कर दिया, फेसबुक पे मिल गया फेसबुक पे कर दिया, मतलब जहां जा रहे हैं तो हमें एक ही नेम ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है या फिर कुछ 10-20 लोग हैं वही ब्लिंक होते हुए दिख रहे हैं, तो वी हैव सर्टेन वर्क, कुछ काम है और भी, और वो जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसको फाइनलाइज करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। अगर हम पूरे दिन मैसेज मैसेज खेलते रहेंगे तो फिर वो काम कब करेंगे, राइट? सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पर्सनल स्पेस एक तो ऑक्यूपाई करने की कोशिश ना करें, प्रोफेशनल लिमिट्स में रहें, अगर आपको
किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी का पर्सनल प्रोफाइल भी फॉलो कर रहे हैं, तो भी स्टे विद इन लिमिट्स और हर समय बॉदरिंग काइंड ऑफ ना करें, अदरवाइज आप कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। आप ये सोच रहे हैं कि आपने उनकी पोस्ट देखी और उस पर ब्यूटीफुल नाइस और ये सब लिखना छापना स्टार्ट कर दिया, इनबॉक्स में भी जाके ये सब करना स्टार्ट कर दिया, और फिर आप सोच रहे हैं कि अरे यार अब तो इन, क्योंकि फीमेल्स की हैबिट होती है अगर हम देखें कि हाँ भाई अप्रिसिएशन अच्छा लगता है तो अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये चीज टैक्टिक्स सिलेक्शन में नहीं चलते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, और इनफैक्ट ऐसे भी कि अब मेल मेल है या फीमेल फीमेल है तब भी किसी को ऐसे बॉदर ना करें उस पर जाके। सोशल मीडिया नेटवर्किंग बढ़ाने का मीनिंग ये होता है, अपनी वेबसाइट को आप फॉलो करना स्टार्ट करें, पेज को फॉलो करना स्टार्ट करें, इंस्टा है तो इंस्टा को, लिंक्डइन पे आप जो उसकी कंपनी है वहां पे उसको भी लाइक कर सकते हैं, करना ही चाहिए, ओके उसको फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको इंटरव्यू मिलते हैं, एचआर मिलते हैं वहां के, तो उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। बट डोंट मेक इट लाइक बॉदरिंग, डोंट मेक इट लाइक कि अब ये चैटिंग डिपार्टमेंट हो गया कि चलो चिपकाते रहो मैसेजेस, फाइन। सो इस चीज़ का ध्यान रखें, सोशल मीडिया नेटवर्किंग जरूर बनाएं, इससे आपको भी नॉलेज मिलेगी। दूसरी एक चीज़ जो मैंने टेंडेंसी देखी है आजकल बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो ये जॉब सीकर्स हैं और वो हैं, जैसे जॉब मिली ना वैसे ही खत्म कर दिया लिंक, या फिर अगर जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है तो लिंक खत्म कर दिया। अरे इट्स, ये दुनिया गोल है, और आज वो टाइम नहीं है कि 20 25 30 साल एक जॉब में आपने एक जॉब ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वहीं से रिटायर होंगे। यू नेवर नो कि आपको दोबारा कब उस जॉब में अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके अपडेट्स एंड ऑल से आप बिल्कुल अलग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपने कहा अरे यार मुझे तो सिलेक्ट किया नहीं, मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इनका तो सिलेक्शन हो गया, इन्होंने तो मेरा पागल बनाया, ये बनाया। अगर हर कैंडिडेट जो इंटरव्यू में आया वो ऐसे ही सोचने लगेगा मेरा पागल बनाया और ये बनाया, हर कैंडिडेट को तो नहीं चूज कर सकते ना यार, नहीं कर सकते। आप एचआर हैं तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कैसे चूज कर सकते हैं। आप एचआर भी नहीं है तो भी सोच के देखिए कि हम खुद भी जब कोई चीज़ पिक करते हैं तो एक चीज़ पिक करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम 10 चीज़ें पिक कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि जी मैं 10-50 चीज़ें ले आई, जब मुझे कोई एक चीज़ परचेज करनी है तो मैं चाहे कोई भी एक ब्रांड चूज़ करूँगी ना। नाउ दिस इज मटीरियलिस्टिक वर्सेज ह्यूमन बींग, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चॉइसेस बहुत सारे बेसिस पे की जाती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसको फिर कट ऑफ कर लें, फिर आप उसके सारे पेजेस को अनफॉलो करना स्टार्ट कर दें, ये कर दें वो कर दें। अगर अच्छी ब्रांड्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ उसका पार्ट बने, और अगर आप कभी पार्ट बनना चाहते तो हो सकता है फ्यूचर में भी आपको वो जॉब्स मिल सकती हैं। तो कनेक्टेड रहें, स्टे कनेक्टेड, ऐसा नहीं है कि एकदम से छोड़ दिया। जैसे बहुत सारे लोग, आज मुझे ये चैनल से फ़ायदा हुआ फिर उसके बाद अब नहीं है तो ऐसे उसको छोड़ दिया, फिर उसकी बुराई करनी स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे तो ना ऐसे ही होता है, वहाँ पे यही होता है वही होता है, क्यों कर रहे हैं, राइट? ठीक है, अगर आपके बिल्कुल अब यूज़ का नहीं है तो हाँ बिल्कुल अनसब्सक्राइब भी करिए, अपनी चीज़ों को रिमूव भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आप चैनल्स और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दे तो भी बहुत मिस हो जाता है, बट थिंक ओवर तभी इन चीज़ों को करें। सोशल मीडिया नेटवर्किंग अच्छी प्रोफेशनल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यही तरीका है कि फॉलो करते करते उनको ऑब्जर्व करें, क्या पोस्ट आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, हैपनिंग्स क्या क्या हो रही हैं, क्योंकि क्या है कि जब अगर कंपनी के पेजेस हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को अपडेट करेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी अपडेट करेंगे चीज़ों को तो आपको और कंपनी के बारे में अपडेशन होंगे, तो हो सकता है आप कभी एक दो साल में जब इंटरव्यूज दें तो आपको सारी चीज़ें उनकी पता हों, राइट? नाउ आ जाता है हमारा 6th पॉइंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम सब जगह से ताम झाम करके तो आ गए, फॉलोअप का भी पूछ लिया, इंटरव्यू का पूछ लिया, सोशल मीडिया रेफरेंसेस चेक सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद आती है वो 6th पॉइंट में, और ये है वर्क ऑन योर सेल्फ, जो कि हम हमेशा भूल जाते हैं। हम सबको टैप करना स्टार्ट कर देते हैं, मेरा इंटरव्यू का क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यार कोई रेफरेंस निकालो, कोई कनेक्शन निकालो, बस किसी चैनल वाले को पकड़ लो, किसी एचआर को पकड़ लो, कहीं से कुछ हो जाए, लेकिन जो एक्चुअल मुझे चाहिए, जो मेरे को अपने ऊपर काम करना है, वो मैं नहीं कर रही हूँ। वर्क ऑन योर सेल्फ, जो भी एनालिसिस आपने करा है, जो आपको समझ आया कि हाँ भाई कहाँ मैं फेल होती, देखिए ये चीज़ सबको पता होती है कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ। अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी गड़बड़ कहाँ हो रही है, तो यू नीड अ चेक, यस यू नीड अ चेक, यू नीड अ सेल्फ चेक, एनालाइज योर सेल्फ। वो लोग कैसे बात कर रहे थे और आप कैसे बात कर रहे थे, क्या डिफरेंस है, क्या गैप है। फॉरगेट अबाउट एक्सपीरियंस, यस फॉरगेट अबाउट एक्सपीरियंस, उनका गेस्चर, उनका बॉडी लैंग्वेज, आपका कैसा था, आपका प्रेजेंटेशन कैसा था। अब यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है उनका काफ़ी ख़राब हो, मतलब वो बहुत स्टाइलिश हो, ऐसे हो वैसे हो, तो उन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो कि पॉजिटिव हैं। हमारे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें चाहिए थी और वो नहीं थी, वो कब अपग्रेड करेंगे, किसी के बताने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको किसी रेफरेंस से जॉब भी मिल जाएगी ना, मैं चैलेंज करती हूँ, कुछ समय बाद आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएंगी जॉब में। नो बडी विल लाइक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने सिर्फ रेफरेंस से जॉब मिल गई और आपको कुछ नहीं आता। आई नो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बहुत साल साल तक काम करते रहते हैं रेफरेंसेस पे, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। अगर आपको जेन्युइनली कुछ लाइफ में अचीव करना है तो वो सीख कर ही कर सकते हैं, और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है उसका, देयर इज नो शॉर्टकट।
चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी अपनी जॉब की, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप जॉब में रह सकते हैं. ओके, सो उन पे काम कीजिए, वो सीखिए. जैसे कि एमएस ऑफिस स्किल्स थी, उसमें उन्होंने पूछा कि आपको ये आता है एमएस एक्सेल में, आपने कहा ये तो आता है ये नहीं आता, तो वो ये जो ये नहीं आता वो कब सीखेंगे, वो वेट करते करते सीख जाएंगे कि हाँ जी मुझे कंपनी रिप्लाई नहीं कर रही, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ. तो वो सीखिए. ओके, और उसके आगे की भी चीज़ें सीखिए, एक्सप्लोर करिए कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें थी, मुझसे क्या पूछी गई, मैं कहाँ लैक कर रहा था. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम इंटरव्यू दे के आ गए, स्किल्स अच्छी नहीं थी. अब तो समझ आ गया ना यार, नहीं थी तो क्यों नहीं अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को. करो प्लीज़, दूसरा इंटरव्यू जाने से पहले अपने आप को अपग्रेड कीजिए, बहुत ज़रूरी है. ओके, इसी के बाद कंपनी के बारे में जानिए, प्रोफाइल के बारे में और जानिए, बिकॉज हो सकता है आपको सेकंड चांस मिले तो उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भाई अब क्या है. क्योंकि होता है बहुत बार हम जानना चाहते हैं कि इस ड्यूरेशन में, ये जो ड्यूरेशन रहा एक हफ्ते का या 10 दिन का 15 दिन में, यार कैंडिडेट में कुछ इंप्रूवमेंट आया या नहीं आया, या वो वैसे ही सोता हुआ है जो पहले आया था. मतलब हो सकता है कि कुछ चांस बन जाए, तो वो कैसे बनेगा, वो तभी बनेगा ना जब आपने कुछ अपने अंदर चेंज किया होगा. ओके, सो वो भी जान लीजिए. और दूसरा रेज्यूमे ऑल्टरेशंस, यस हो सकता है आपको समझ में आए कि रेज्यूमे में कुछ ऑल्टरेशन जरूरी थे, कस्टमाइज रेज्यूमे जरूरी था, तो उसको भी करते रहें, उसको जरूर करें अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अदरवाइज फिर वो चीज़ें लैक होंगी. रेज्यूमे अगर अकॉर्डिंगली नहीं होगा जॉब के, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. बहुत हाई फाई और इस टाइप के कोई हमें रेज्यूमे नहीं बनाने होते हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कस्टमाइज करना मैं कहती हूँ, कि उसके अकॉर्डिंग कवर लेटर बनाएं, जॉब के अकॉर्डिंग करें, ऑब्जेक्टिव चेंज करें, वो सारी चीज़ें जरूर चेंज करें. ओके, लास्ट रहता है 7th, और ये है वेट, फॉलो अप एंड मूव ऑन. यस, बहुत सारे लोग स्टिक हो जाते हैं, बस यही कंपनी हमारे लिए बनी है और हम इस कंपनी के लिए बने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. वेट कीजिए एक रीजनेबल टाइम तक, उसके बाद फॉलो अप लीजिए. आपको पता है फॉलो अप कब लेना है, आप पूछ के आए हैं नहीं है तो भी आपने पता है आपको कि अब फॉलो अप कब लेना होता है, 2-4, 4-5 दिन, 5 डेज प्लस पे आप फॉलो अप लीजिए. ओके, अगर आप कनेक्ट हो गए हैं किसी से तो वहाँ पे फॉलो अप ले सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल काइंड ऑफ फॉलो अप ही लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है. ऐसे नहीं कि चैट बॉक्स में आप चैट कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, ऐसा ना करें. उसके बाद मूव ऑन, यस, उसी पे स्टिक मत रहिए, उसको इतना माइंड पे मत लीजिए. देर आर सो मेनी कंपनीज, सो मेनी जॉब्स, अपने आप को अपग्रेड करिए जैसे कि आप कर रहे हैं, दूसरे प्रोफाइल पे जाइए. हो सकता है आपके पास कभी और वहां से जॉब आ जाए तो तब देख लीजिए, लेकिन उसको इतना माइंड पे मत लीजिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. बहुत सारे लोग 10-15-20 दिन एक महीने तक पहले वहां इंटरव्यू दिया था, पता नहीं क्या हुआ यार, वहां से कोई जवाब ही नहीं आया. अरे आप कब तक उसके बारे में सोचते रहोगे, आगे बढ़ो. इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, मूव ऑन, कहीं ना कहीं टकराएंगे आप, बिल्कुल टकराएंगे. ऐसा नहीं है कि कहीं जॉब मिलेगी ही नहीं. फाइन, सो आई होप से बेनिफिशियल होगा. जॉब इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, टेलीफोनिक भी हो गया, वर्चुअल भी हो गया, फेस टू फेस भी हो गया. वेट करे जा रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या करें, फॉलो अप लें नहीं लें, ये डाउट बना रहता है. इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि भाई हम पूछें नहीं पूछें, हम फॉलो अप लें नहीं लें जॉब इंटरव्यूज के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऐसा ना हो कि हमें एक इरिटेटिंग कैंडिडेट का खिताब दे दिया जाए और फिर हमारी शॉर्टलिस्टिंग कभी हो ही ना. तो इन्हीं सारे कुछ क्वेश्चंस को हम आज आंसर कर लेंगे बिल्कुल साथ में. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, जो डाउट पे आता है, वो आता है कि हम फॉलो अप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और इससे कोई इम्प्रेशन क्या खराब पड़ता है. तो इसका आंसर है यस, यू कैन टेक फॉलो अप, ये आपका राइट भी है और एक तरीके से ड्यूटी भी है कि कोई काम किया है, कोई इंटरव्यू दिया है तो फॉलो अप लेना तो बनता है. ओके, सो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ कोई रेप्यूटेशन नहीं खराब होती है, लेकिन आपको वे जरूर ध्यान रखना है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो इसलिए पूरा सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि उल्टी सीधी तरीके से अगर फॉलो अप करेंगे तो जरूर गुडविल भी खराब होगी और फिर शॉर्टलिस्टिंग भी नहीं होगी. राइट, सो हाँ हम जरूर कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन के भाई कब करें, ये सबसे बड़ी चीज है. आज देकर आए हैं इंटरव्यू, आज ही बेचैनी हो रही है कि भाई किसी तरह पता चल जाए कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, मेरी शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है नहीं होने वाली है. सो यहाँ आ जाते हैं, मैं जो अपनी तरफ से रीजनेबल टाइम समझती हूँ वो है आफ्टर अ वीक. ऑल्दो बहुत सारे लोग 5 डेज भी कहते हैं कि आप 5 डेज की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा सर्कल बताती हूँ. कई बार जो इंटरव्यूज हैं वो होते हैं फ्राइडे सैटरडेज में, तो आप ये सोचिए फ्राइडे सैटरडेज में हुए, एक दिन संडे का हुआ, फिर आए बैक टू मंडे ट्यूजडे, करते करते 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं. तो हम एक रीजनेबल टाइम दें एचआर को भी, इंटरव्यूअर को भी, कि भाई वो अपना डिसीजन ले. ओके, और कई बार मंडे भी होते हैं तो 5 डे में एकदम क्लोजिंग होती है, फ्राइडे में तो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एकदम से आंसर करना किसी को.
अदरवाइज आप 5 डे के बाद कभी भी कर सकते हैं. आफ्टर अ वीक तो बहुत ही अच्छा है, 5 डे इज फाइन, एंड आफ्टर अ वीक करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो यहाँ हम फॉलोअप ले सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि आज इंटरव्यू देकर आए सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे कॉल लगा दी. अरे भाई, वो अभी तक इंटरव्यूज ले रहे हैं, कहाँ से सारी चीजें अभी फाइनलाइज हो जाएंगी, खुद सोच कर देखिए. इनफैक्ट अगर आप 2 डेज सोच रहे हैं तो हो सकता है वॉक इन ड्राइव्स जब चलती हैं 3-3 दिन 4-4 दिन, तब भी आप कैसे एकदम डिसीजन ले लोगे. दे वॉन्टेड टू हैव सो मेनी कैंडिडेट्स और उसमें से वो आगे फाइनलाइज करते हैं, राइट. सो वहां भी ध्यान रखिए कि एक प्रोसेस होता है, कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि हाँ आज एक पर्सन को आपने मार्क्स दे दिए कि हाँ जी 8 मार्क्स दे दिए, 5 मार्क्स दे दिए, 10 मार्क्स दे दिए और जी हाँ ये खत्म हो गया. कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आपने जितना अपीयर किया उस पर आपको मार्क्स मिल गए. यहाँ होता है कंपैरिजन, यहाँ होता है कंपटीशन. यस, अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चाहिए होता है एचआर को. सो उसके लिए उसे वेट करना पड़ता है कि जितने टाइम हमने इंटरव्यूज का दिया है, अगर और भी कोई कैंडिडेट आता है तो हम उससे उसे कंपेयर कर सके, राइट. और बहुत सारे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, उससे पहले कोई भी हाँ नहीं कह सकता आपको. ओके, मैंने आपको छोटा सा इंटरनल प्रोसेस बताया बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स इसलिए भी रूड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोवोक्ड हो जाते हैं, बहुत सारे इरिटेटिंग हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं बताया, हमारा आज इंटरव्यू होता तो हमें बता दो कि भाई हुआ क्लियर या नहीं हुआ. तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, एवरीथिंग टेक्स टाइम. ओके, सो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन. अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भाई कैसे फॉलो अप लें, टेलीफोन पे लें या मेल पे लें. तो इसका आंसर बहुत सिंपल है. अगर आपका जो इंट्रैक्शन है वो कंप्लीटली टेलीफोनिक रहा है तो आप टेलीफोनिक पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर मेल के थ्रू रहा है, सारी चीज़ें मेल के थ्रू ही फ्लोट हुई है, मतलब एक दो बार टेलीफोन पे आपकी बात हुई है और मेल के थ्रू ही सारी प्रोसेसेस हुई है, मतलब आपको इंटरव्यू का जो रिक्वेस्ट है या इंटरव्यू का जो इनविटेशन है वो उस पे आया, उसके बाद और भी चीज़ें और उससे पहले भी सारी चीज़ें मेल के थ्रू हुई हैं, तो मेल के थ्रू फॉलो अप लेना बहुत अच्छा है बिकॉज वहीं से आपका कन्वर्सेशन चल रहा है. तो आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा कि आपने फॉलो अप लिया और उसके पास भी एचआर के पास भी रहेगा कि हाँ उसी से मेल आ रही है. तो मेल आप कर सकते हैं, मेल तो जरूर करें अगर मेल से कन्वर्सेशन हुए हैं, क्योंकि पुराने कन्वर्सेशन हैं तो वो सारे एक साथ रीड भी हो सकते हैं, पता चल जाएगा. और टेलीफोन भी आप कर सकते हैं मेल वाले केस में, कोई इशू नहीं है. सो डिस्कस कर लेते हैं अब टिप्स के बारे में, और मैं देने वाली हूँ कुछ 3 टिप्स. यस, सो सबसे पहले टिप है बी कर्टियस. नाउ कर्टियस इज पोलाइट रहें. ऐसा ना हो कि आपके पास कोई रिस्पांस नहीं आया बहुत समय तक और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया तो मेरे पास रिस्पांस आना चाहिए, तो आप इरिटेट होके बात करें, आप रूडली बात करें कि भाई मैंने उस दिन इंटरव्यू दिया था, क्या प्रोसेस है आपका. बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरीके से रिएक्ट करते हैं एंड दैट इज वेरी वेरी बैड. वो सुनने में इतना ऑकवर्ड होता है, ऐसा लगता है कि हम आपके लिए ही नहीं बैठे हैं, हमारे पास और भी टास्क हैं. और एक जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो इतना ईजी नहीं होता बिकॉज हम एक कैंडिडेट को हायर कर रहे होते हैं कंपनी के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो वो ये नहीं होता कि एक इंटरव्यू लिया और बस उसको हाँ या ना कह दिया. देर आर सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें. आई होप अगर बहुत सारे एचआर मुझे देख रहे हैं, रिक्रूटर्स मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताएंगे कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ. तो ये ऐसा इतना ईजी नहीं होता. सो बी कर्टियस वाइल यू वॉन्टेड टू नो कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहा. और दूसरी चीज़, बात करते में आपका जो नेचर होना चाहिए, आपका जो वे होना चाहिए वो होना चाहिए थैंकफुल. यू मस्ट बी थैंकफुल, यू मस्ट बी थैंकिंग, यू मस्ट बी इन अ थैंकिंग वे. सो अगर आप ऐसे बात करेंगे तो अगर ऐसा हो रहा होगा कि वो चांसेस पीछे भी जा रहे होंगे आपके शॉर्ट लिस्टिंग के, तो बहुत हेल्प करेगा हमें ये दोबारा सोचने में कि यार ये कैंडिडेट कुछ अलग है, कुछ हटके है. यस, इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं और उसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं बहुत बार, और डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अपना नेचर अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे, अच्छा रखेंगे और ठीक से बात करेंगे. सी, सिलेक्शन होना है नहीं होना है, जॉब मिलनी है नहीं मिलनी है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. बट दिस इज अ विशियस सर्कल, आप कभी भी मिल सकते हैं उस एचआर से, उस कंपनी से, वहां जितने सारे टीम मेंबर्स थे उन सब से, नेक्स्ट किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप बहुत अच्छी जॉब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. ओके, बिकॉज ये सब लॉट फेयर के वहीं है. तो आपको अपना नेचर और अपना बिहेवियर बहुत ही काम रखना है, कर्टियस रखना है और थैंकिंग रखना है. ऐसा नहीं कि बस ठीक है मैं तो डिजर्व करता था इसलिए मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट. सो ये चीज नहीं होनी चाहिए. ओके, सो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड इज अ रिमाइंडर. नाउ आपको जो ये कॉल करनी है या मेल करनी है फॉलो अप की, इट शुड बी इन अ रिमाइंडर वे. मींस आप रिमाइंड करा रहे हैं अपने बारे में दोबारा से. आप
इतने सारे कैंडिडेट में 100, 200, 500 कैंडिडेट में से एक अलग कैंडिडेट है, ये आप उन्हें रिमाइंड करा रहे हैं और ये भी रिमाइंड करा रहे हैं कि यू आर इंटरेस्टेड, आप आज भी इंटरेस्टेड हैं, एक वीक बाद, 5 डेज बाद या 10 डेज बाद. ओके, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कैंडिडेट को चूज कर लेते हैं और वो बैकआउट कर लेता है, मे बी ड्यू टू सम रिलोकेशन प्रॉब्लम, मे बी ड्यू टू सम अदर ऑफर, मे बी उसको अपनी कंपनी में ही अच्छा मिल जाता है. सो ये आपको कंपनी को रिमाइंड भी कराना है कि आप अभी भी अवेलेबल हैं. ओके, और ये हेल्प भी करेगा एचआर को अपना डिसीजन लेने में कि ये कैंडिडेट तो अभी भी रेडी है क्योंकि इसने फॉलो अप मैसेज या फॉलो अप मेल किया है, मतलब फॉलो अप कॉल किया है. ओके, सो ये एक बहुत अच्छा रिमाइंडर हो सकता है. अगर एचआर कंफ्यूज है, थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्हें एक रिमाइंडर भी मिल जाएगा कि ये कैंडिडेट तो अभी भी रेडी है. थर्ड, नाउ थर्ड इज माई फेवरेट एंड दिस इज बी प्रोफेशनल एंड टेक टाइम. नाउ इन दोनों का मतलब मैं बताती हूँ. प्रोफेशनल, आपके वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज, सब कुछ प्रोफेशनल होनी चाहिए. आपको ध्यान रखना है योर वर्ड्स विल बी मार्क्ड. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो स्टार्टिंग से ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, तो आपको प्रोफेशनल रहना है. ओके, और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये काउंट हो रही होती है कि आप जब कंपनी में आएंगे तो कैसे करेंगे. ये मत सोचिए कि खाली जॉब लेने के लिए है. ये जो आपकी एक एक एक्टिविटी है ये एचआर के जो डिसीजन को है वो इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज उस केस में उन्हें समझ आएगा कि कैंडिडेट क्या नॉर्मल है, कैंडिडेट क्या इरिटेटिंग है, या कैंडिडेट क्यूरियस या एंशियस है, एक्साइटेड है अपनी जॉब के लिए, या वो बहुत पकाऊ है. एग्जैक्टली, या वो बहुत इरिटेटेड या बिहेवियर टाइप का कैंडिडेट है, आगे भी प्रॉब्लम कर सकता है. ओके, सो ये चीजों में. और दूसरी चीज जो कि मैं बात कर रही हूँ, टेक टाइम. यस, अगर आपको एचआर बोलते हैं कि वी विल कॉल यू, हम आपको बताएंगे या बात करेंगे, थोड़ा सा चालाकी से टाइम लेने की कोशिश करें कि आप दोबारा कब कॉल कर सकते हैं. यस, ये बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो भूल जाएं. और दूसरा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं एक एचआर पे कि ये कैंडिडेट तो वापस भी कॉल कर सकता है, तो हमें जो भी चीजें हैं वो फाइनलाइज कर लेनी है जल्दी. ओके, सो यू कैन टेक टाइम. एक बार आप पूछ सकते हैं, बट फिर अगेन वही प्रोफेशनल पोलाइट वे में यू हैव टू आस्क, और वहां से जो भी रिप्लाई मिलता है यू हैव टू टेक इट डिसेंटली. ओके, उसका जो भी रिप्लाई होता है एक बार पूछ सकते हैं आप कि भाई कैन आई कॉल यू बैक, कैन आई कॉल यू 2 डेज आफ्टर 2 डेज, कैन आई कॉल यू आफ्टर 2 डेज, आप ऐसे पूछ सकते हैं. या फिर कैन आई मेल यू, इस तरीके से कुछ भी आप करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेकिन डिसेंट पे में पूछें. या मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्राइक करूंगी कि इस चीज का ध्यान रखें कि बहुत ही हरिड वे में टाइम लेने की कोशिश ना करें, या फिर अगर उधर से टाइम नहीं आ रहा है तो बहुत खराब तरीके से बिहेव ना करें कि आप टाइम ही नहीं बता पा रहे हैं कि कब तक आपका प्रोसेस होगा, कब तक काम होगा. इस तरीके की लैंग्वेज कैंडिडेट्स यूज करते हैं और नॉर्मली एचआर ने फेस भी की होगी, तो ये सब कुछ नॉर्मल है. तो मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक कैंडिडेट हैं या आप एक एचआर हैं, आप किसी भी पोजीशन पे हैं, तो दोनों तरफ की चीजें ध्यान रखें. ओके, सो चलिए, मेरी तरफ से डन है. आई होप सो ये हेल्पफुल होगा, एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स जरूर आएंगे कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.